नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डर्बन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन को उनकी शर्मनाक हरकत महंगी पड़ी है। लियोन की अमर्यादित रवैये से खफा आईसीसी ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान एबी डिविलियर्स और एडन मार्करम क्रीज पर थे। 12वें ओवर की आखिरी गेंद को मार्करम ने लेग साइड में खेला। डिविलियर्स रन लेने के लिए आधी पिच तक आ गए थे, लेकिन मार्करम ने रन लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच डेविड वार्नर ने तेजी से लियोन की तरफ गेंद फेंकी। लियोन ने पहले तो गेंद से बेल्स को उड़ाया और उसके बाद क्रीज पर गिरे डिविलियर्स पर गेंद ड्रॉप कर दी। डिविलियर्स के रन आउट होने पर वार्नर ने बेहद आक्रामक तरीके से जश्न भी मनाया। उनकी इस हरकत पर आईसीसी उनकी मैच फीस का कुछ प्रतिशत काट सकती है। लियोन ने अपनी गलती की माफी भी मांगी है।